सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम प्रियांशु गुप्ता है। वेलकम टू प्रियांशु व्लॉग्स यूट्यूब चैनल। तो बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चंस किए हैं मुझे इंस्टाग्राम पे। तो अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, जिसकी वजह से आप मुझसे जो भी क्वेश्चंस पूछोगे मैं आपको उसका इंस्टेंट रिप्लाई दे दूंगा। तो मैंने Q&A रखा था, मैंने कहा था चलो Q&A पे वीडियो बना देंगे। तो वीडियो मैं अपलोड करूंगा संडे को। तो अभी है, अभी जो टाइम है, अभी सैटरडे है, तो मैंने कहा जल्दी से जल्दी वीडियो बना लेते हैं और सबके क्वेश्चंस का रिप्लाई दे देते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है बैंक के लिए। विशाल भाई ने पूछा बैंक के लिए लोन कैसे लें और क्या क्या देना है बैंक को। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपने बैंक से लोन लेना है उसके प्रोसीजर के बारे में जानने के लिए आपको एजेंट से मिलना पड़ेगा बैंक के। तो उससे ये फायदा होगा कि वो आपको सारा प्रोसीजर बता देगा कि आपको कितने पैसे लगते हैं। तो जहां तक मेरी नॉलेज है, मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल बताता हूँ, जो डिग्री होती है उस पे आपको कोलेटरल लोन मिल जाता है। अब प्रॉपर्टी लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी मिल जाता है। और इसका कैसे हम पे कैसे करते हैं, आपको जब तक आपको जॉब नहीं मिलती, मतलब आपकी स्टडी खत्म होते ही जब आपको जॉब मिल जाएगी तब आपको पैसे देने हैं, पर उसका जो इंटरेस्ट है आपको हर महीने देना पड़ेगा। ठीक है, तो आप बेटर है कॉल कर लेना। और मेरे हिसाब से SBI बैंक ज़्यादा अच्छा लोन देता है। गवर्नमेंट बैंक ज़्यादा अच्छी लोन देती है एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट बैंक। उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है गवर्नमेंट बैंक का। तो सेकेंड है, अनिल शाह ने पूछा है कि जॉब आसानी से मिल जाती है कि नहीं। सो जॉब्स जो है वो आसानी से मिल जाएंगी आपको। ठीक है, आपको आसानी से मतलब आपको हाथ पैर मारने पड़ेंगे। तो जब दो टाइप के लोग होते हैं, एक होते हैं जो ऑनलाइन अप्लाई करके घर पे बैठते हैं और कहते हैं कि जॉब नहीं मिल रही। दूसरा होता है जो रिज्यूमे बांटता है, हर जगह बांटता ही रहता है। तो जॉब फेयर्स लगती हैं, आपको जॉब मिल जाएगी। ठीक है, हालांकि जब तक नहीं होता, नहीं मिलती, आप फैक्ट्री शिफ्ट लगा सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने पूछा अनिल भाई ने कि पेपर कैसे आता है। जो पेपर होता है वो सिर्फ 20% होगा आपका एग्जाम, बाकी 80% जो होता है आपकी असाइनमेंट्स होती है और प्रोजेक्ट होता है। ठीक है, ये दो चीज़ें होती हैं, और इंक्लूडिंग फाइनल एग्जाम आपका 20% का फाइनल एग्जाम होगा। तो अगर आपको वीडियो चाहिए इस पर तो कमेंट कर देना, तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो देवरूहाल 99 पूछते हैं कि PSW की प्रोसेस एंड शाउट आउट माई नेम। PSW की प्रोसेस मुझे इसका सीरियसली मुझे पता नहीं है, शाउट आउट तो दे देता हूँ। देव राहुल 99, अगर आप वीडियो देख रहे हो यूट्यूब पे तो कमेंट कर देना भाई, थैंक यू फॉर शाउट आउट। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आपको इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। ठीक है, फिर अंजलि ने किया मैसेज, योर वीडियोज आर ट्रूली फॉर हेल्पिंग स्टूडेंट्स एंड नॉट फॉर एनी प्रोमोशन, थैंक्स फॉर हेल्प। योर मोस्ट वेलकम गाइस, आप लोग मुझे इतना प्यार करते हो तो फिर मेरी भी ड्यूटी बनती है आपकी। ठीक है, यही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपको अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन दी जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मनी अंडरस्कोर उत्कर्ष पूछते हैं, आई हैड माई बायोमेट्रिक ऑन 29 नवम्बर, स्टिल देयर इज नो रिस्पॉन्स ऑन माई वीज़ा, एनी रीज़न। तो जो बायोमेट्रिक है उसके बाद जब मेरा वीज़ा आया था तब मैंने बायोमेट्रिक नहीं दिया था। तो फिर जो ये रूल आया है, मतलब जनवरी के स्टार्टिंग में आया था, तो मेरा तो वीज़ा जनवरी से पहले आ गया था। तो फिर बायोमेट्रिक की मतलब इसका क्या कह सकते हैं, 29 नवंबर है ना, तो आप थोड़ा वेट कर लीजिएगा। अभी तो दिसंबर निकल गया, 1 महीना हो गया। तो एजेंट को कांटेक्ट करना है, एजेंट आपकी हेल्प कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुयो गया मिश्रा 308, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी अगर मैं गलत नाम ले रहा हूँ, और थैंक्स आपने हमारे लिए इतनी वीडियोस बनाई, बहुत हेल्पफुल हैं आप सब, और आप DM के रिप्लाई भी करते हो। मैं करता हूँ, तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, तो मैं रिप्लाई करता हूँ। ठीक है, अगला पढ़ते हैं। तो अगला सुयो गया मिश्रा ने पूछा है, ब्रो यार 2 व्हीलर का क्या प्राइस रहता है वहाँ, न्यू भी और सेकेंड हैंड भी, मतलब जिससे थोड़ी ईजी हो जाए। एक्चुअली मैं आपको एक सीधी बात बताता हूँ, 2 व्हीलर्स लेना बेवकूफ़ी होगी एज़ कम्पेयर टू 4 व्हीलर, बिकॉज उसमें कंफर्ट नहीं होगा। सेकंड, आपको पता ही वेदर का कब चेंज हो जाता है, कनाडा के वेदर का बिल्कुल नहीं पता है। ठीक है, कब स्नो पड़ जाए, कब बारिश हो जाए, कब ठंडी हवा चलने लग जाए, कुछ नहीं पता। तो मेरे हिसाब से 2 व्हीलर्स आप अवॉइड करो, 2 व्हीलर ना लो, बिकॉज वो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इमेजिनरी अंडरस्कोर फैला का, रेंटल शेयरिंग हाउसेस प्राइसेस इन किचनर। ये जो रेंटल शेयरिंग हाउस प्राइसेस किचनर है वो वेरी करता है, मतलब कैसे है, मतलब अगर टाउन हाउस है, अगर आपने उसकी वीडियो नहीं देखी मैं ज़रूर उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसका $2200 था। मतलब अगर वो डिपेंड करता है कितने इंसान रह रहे हैं, कितने लोग रह रहे हैं घर में। तो उसके अकॉर्डिंग वो डिवाइड हो जाता है जितना भी रेंट है होल। जैसे अभी मैं रह रहा हूँ, इधर का रेंट है $1770, तो पर पर्सन पड़ता है $354। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन पूछा है मेक अंडरस्कोर शाह अंडरस्कोर 25 ने, क्या आफ्टर डिप्लोमा कनाडा आना वो सही रहेगा या डिग्री के बाद? आई एम वेरी कंफ्यूज्ड, सो प्लीज रिप्लाई। सो कंडीशन क्या होती है आफ्टर डिप्लोमा या डिग्री के बाद आप आ सकते हो? एलिजिबिलिटी आपकी क्या क्राइटेरिया क्या है वो डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल अगर आप आफ्टर डिप्लोमा आ रहे हो आ सकते हो, नॉट एन बिग इशू, क्योंकि ट्वेल्थ के बाद भी लोग आ रहे हैं, डिप्लोमा करके भी आ रहे हैं और स्पाउस पे भी आ रहे हैं, आ सकते हो। अनमोल भाई ने थोड़ा सा सरकाजम वे में पूछा, भाई टॉयलेट पेपर इंडिया से लेके आई या ना? अनमोल जिंदल, नहीं भाई, यहाँ से आपको आसानी से मिल जाएगा, आपको लाने की जरूरत नहीं है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं ड्रोन D_R_O_N_Z_E, आई एम कमिंग इन विनीपेग इन मई, क्या मुझे जॉब तो मिल जाएगी ना? जॉब एक्चुअली यार जॉब का ये सीन है गाइस कि अगर आप ढूंढोगे नहीं ना तो नहीं मिलने वाली, बिकॉज आपके साथ बहुत सारे लोग आ रहे हैं जो हाथ पैर मारते हैं उसे जॉब मिल जाती है, और जो मतलब अकेला रिज्यूमे बांट के थोड़ी देर वेट करता है कि हाँ अब मिलेगी, अब कॉल आएगी, तब नहीं होता है, ऐसे कुछ नहीं होता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सुख व्लॉगर का। सुख का एक व्लॉग है, उसका मैं मतलब ये व्लॉगर है सुख भाई, तो फिर ये कहता है कोलैब कब करना? हम जल्दी कोलैब करेंगे भाई, टेंशन लेने की बात नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सलमान 2073, हाउ टू अप्लाई फॉर एजेंसीज। आपने अगर मेरी पार्ट टाइम जॉब्स इन कनाडा वाली वीडियो नहीं देखी है, ऊपर आई नोटिफिकेशन आ रही होगी, आप उस पर क्लिक कर देना, पार्ट टाइम जॉब इन कनाडा के लिस्ट आ जाएगा। किचनर एरिया का मैंने उसमें एजेंसीज के नेम दिए हैं, अगर आप कहीं और किसी और एरिया में जा रहे हो तो फिर उस एरिया में एजेंसीज के नाम लिखो गूगल पे, उससे क्या होगा कि एजेंसीज की लिस्ट आ जाएंगे, आप उन्हें कॉल करके कॉन्टेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा है राहुल अंडरस्कोर कुंडाल ने, सॉरी फॉर अगर गलत नाम लिया भाई, कनाडा चे मच्छर हुंदा। भाई कनाडा में मच्छर भी होते हैं और सबसे ज्यादा पेनफुल वो होते हैं, क्या कहते हैं, बेडबग्स। बेडबग्स जो खटमल बहुत सारी जगह होते हैं, तो आप ध्यान रखना जब भी आप घर ले रहे हो या कहीं अकोमोडेशन ले रहे हो, आप उसका मैट्रेस चेक कर लेना, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, इधर उधर काटेंगे, फिर आप इधर उधर भागते फिरोगे। ठीक है तो अगला क्वेश्चन है जयदीप अंडरस्कोर डॉट कपूरिया से, आई एम कमिंग इन जैन इनटेक, कैन वी मीट? हाँ भाई मिल सकते हैं, 6 से 10 जनवरी को ओरिएंटेशन है, प्रियांशु गुप्ता विल बी देयर, हम मिलेंगे और फोटोज भी खींच लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा है आम अंडरस्कोर नाइसर गिपांडा, हाउ कैन आई फाइंड पार्ट टाइम जॉब इन मई इनटेक? तो मई इनटेक में जॉब फाइंड करना, मैं भी मई इनटेक में आया हूँ, हालांकि मैं इसके अकॉर्डिंग आपको एक टिप्स दे देता हूँ। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप एजेंसीज में रजिस्ट्रेशन करवाना, एजेंसीज में अगर आप रजिस्ट्रेशन करवा लोगे, रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद उनसे आपको पूछना है कि फैक्ट्री शिफ्ट, अगर आप नहीं लगा सकते फैक्ट्री शिफ्ट, आप रेस्टोरेंट वगैरह में रिज्यूम बांटना, आपके लिए ईजी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है Mr.Sharma-007, हाउ यू प्रिपेयर फॉर IELTS, गिव मी सम टिप्स ब्रो। सो IELTS के लिए बहुत ही टिप्स एंड ट्रिक्स वीडियोस हैं YouTube पर, मेरे हिसाब से मुझे देना नहीं चाहिए, मतलब दे तो सकता हूँ, मतलब बहुत सारे लोग मेरे से भी प्रोफेशनल लोग हैं जिन्होंने उन्हें डाले हुए हैं, तो आप उनकी वीडियोस देख सकते हो, वो आपके लिए ईजी होगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है आम अंडरस्कोर नाइसर, सॉरी आपका नाम मुझे नहीं, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी मैं नाम नहीं पढ़ पाया ये। आर देयर एनी चांसेस ऑफ PR इन किचनर? PR का क्राइटेरिया फॉलो करोगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा। ठीक है, सो अगला क्वेश्चन है हरसिमरन अंडरस्कोर 0893 की तरफ से, शुड आई ब्रिंग माई ओल्ड अकेडमिक्स एंड डज इमिग्रेशन आस्क फॉर अकेडमिक्स टू चेक? आप अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके आओ, इमिग्रेशन पे आपको चेक कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्रिंस अंडरस्कोर M मधु सेन, आई हैव हर्ड मैनी पीपल वर्क इलीगल, इज दैट ट्रू? मुझे इसके बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं है, मैं अपनी लाइफ में इतना बिजी रहता हूँ कि मुझे दूसरे बंदे के बारे में सोचने का बिल्कुल टाइम नहीं है, अगर मुझे पता होता मैं जरूर बता देता। ठीक है, अभी अंडरस्कोर 607 पूछते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कोर्स डिटेल पर वीडियो बनाओ। सो गाइस कोर्स के बारे में अगर आपको जानना है, उसके लिए मैंने इतना इजी कर दिया आपके लिए, मैंने ना एक फेसबुक ग्रुप बनाया जिसमें ना अभी सारे जैन इनटेक के बच्चे ने ज्वाइन किया है। ठीक है, धीरे धीरे ये हमारी जो फेसबुक ग्रुप की फैमिली है ना ज़्यादा बड़ी होती रहेगी। अभी 385 मेंबर्स हैं, धीरे धीरे मेंबर्स बढ़े जाएंगे। उसमें क्या कर सकते हो, उसका ये बेनिफिशियल हो जाएगा, बेनिफिट आपको ये होगा, आप ज्वाइन करोगे, आप बस अपने कोर्स का ड्रॉप करोगे कि आई नीड हेल्प इन दिस, ठीक है। अगर आपको कोई नहीं हेल्प करता, मैं कह दूंगा मेरे सब्सक्राइबर हो आप लोग तो हेल्प कर ही दोगे, ठीक है। सो अगला क्वेश्चन है पार्थ पटेल अंडरस्कोर 0820। व्हाट्स द सीजन देयर इन सितंबर? सितंबर में ठंड नहीं होती है, ठीक है। ठंड अक्टूबर नवंबर से शुरू हो जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है रचित अंडरस्कोर शर्मा 96। एजेंसीज इन किचनर फॉर जॉब, पार्ट टाइम जॉब्स इन कनाडा, देख लेना मेरी वीडियोस में सारी एजेंसीज की लिस्ट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन रचित अंडरस्कोर शर्मा 96 ने पूछा है विल मिस ओरिएंटेशन हाउ टू कंप्लीट रजिस्ट्रेशन एंड हुम टू मीट। मुझे मिल लेना, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा, ठीक है। अरमान 02.12 व्लॉगिंग शुरू करनी है, सपोर्ट करो एंड टिप्स भी दे दो। जरूर अरमान भाई, व्लॉगिंग में मेरा हाथ बहुत तंग है। अगर आपने व्लॉगिंग में अपना करियर बनाना है या आपने सीखना है, आप फ्लाइंग बीस्ट को फॉलो कर सकते हो, वो मेरा आइडियल है, वो बहुत अच्छी व्लॉगिंग करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है IG अंडरस्कोर हर्षित 03। IG अंडरस्कोर हर्षित 03, सॉरी गलत नेम ले लिया। शुड आई कैरी कैश फॉर बाइंग लैपटॉप फ्रॉम कैनेडा और इफ नॉट हाउ शुड आई कैरी दैट मनी। आप फोरेक्स कार्ड आता है, अगर आपने मेरी फोरेक्स कार्ड पे वीडियो नहीं देखी प्लीज जल्दी जाके देखो, उससे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी फोरेक्स कार्ड के बारे में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अभी किंग 3937। भाई सारे स्टडी वीजे लगाने में टोटल कितना टाइम लगता है? तो सारा टोटल प्रोसीजर 3 to 4 मंथ्स का होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है गुजरन मोल ब्रो, हाउ मच मनी कैन वी कैरी वाइल कमिंग टू कैनेडा। अगला क्वेश्चन गुजरन मोल ने पूछा है सॉरी मैं नाम गलत ले रहा हूँ, ऑफेंड ना हो जाना, सॉरी गाइस। सो ब्रो हाउ मच मनी कैन वी कैरी वाइल कमिंग टू कैनेडा एज ए स्टूडेंट। आप मैक्सिमम $10,000 ला सकते हो, उसके लिए आपको स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी। अगर आप $2,000 ला रहे हो कोई बात नहीं, टेंशन लेने की बात नहीं। राहुल अंडरस्कोर कुंडल पीआर केडी प्रोविंस से जल्दी मिलन दे चांस है। क्यूबिक में सारे कह रहे हैं वहां पे मिलने के ज्यादा चांसेस है, ठीक है पीआर के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है हरदीप सिंह अंडरस्कोर 12 ने इज देयर एनी लंच सिस्टम इन कॉनेस्टोगा डून कैंपस एंड प्राइस। लंच सिस्टम मतलब टीम हॉटन्स है और बहुत पिटा पिट है, आप वहाँ से खा सकते हो। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर आप बनाना सीख जाओ ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए और आपके पैसे भी बचेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा है सिमरतजीत कंबोज 21। पढ़ाई के बाद कॉनेस्टोगा वर्क परमिट प्रोवाइड करवाता है। बाय द वे ऑल वीडियो वीडियो अच्छी है, ठीक है। हाँ भाई, DLI इंस्टीट्यूट जो भी डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूट है, कोई भी कॉलेज है, आपको वर्क परमिट मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। हाँ ये कंसर्न में रखना कि हफ्ते में आप 20 घंटे काम करो, ठीक है। 20 घंटे ही काम करना, उससे ज्यादा काम ना करना, अपना फ्यूचर देख लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निखिल साथे 1995 हाउ द एजुकेशन सिस्टम डिफरेंट फ्रॉम वन विच वी हैव इन इंडिया। तो यहाँ का एजुकेशन सिस्टम अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो मैं ऊपर आई नोटिफिकेशन पे डाल रहा हूँ, या वीडियो देखो मेरी क्वेश्चंस पूछने से पहले, आपको लिए इजी होगा। अगला क्वेश्चन है नवाब ज़्यादा अंडरस्कोर मीर रेंज रोवर कैसे ले सकते हैं स्टूडेंट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताता हूँ, ऐसी कारों के पीछे मत भागो, ये सारी क्रेडिट्स पे कार है, ठीक है। कैश पे कार नहीं होती, इनकी आप किस्तें भरते हो 10-10, 5-5 साल। अगर आपको अपना फ्यूचर अच्छा करना है, आपको सेविंग्स करनी है, ठीक है, तो ऐसी चीजों से दूरी रहो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है परने अंडरस्कोर भोसले 46 एक्सेप्टेंस लेटर आने के बाद कितनी फीस भरनी चाहिए अकॉर्डिंग टू यू। 1 साल की अंडर SDS कैटेगरी और $1500 भरनी पड़ती है आपकी सीट कंफर्मेशन के लिए। सो अगला क्वेश्चन है I_M_Kabir 07 भाई सेंटीनियर कॉलेज कैसा है? बढ़िया कॉलेज भाई, आप एडमिशन ले लो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्रीत अंडरस्कोर पटेल 31 स्कूल लिविंग एडमिशन लाना मैटर कर रहा है? नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन रचित ने फिर पूछा है ऑन कैंपस रेजिडेंस प्राइस, इसका $500 to $600 है, ठीक है। सो गाइस मैंने सभी Q&A के आंसर दे दिए हैं क्वेश्चंस के। अगर आपको और क्वेश्चंस पूछने हैं, प्रियांशु से बात करनी है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, ठीक है। और जनवरी को मिलते हैं, 6 जनवरी से 10 जनवरी तक प्रियांशु गुप्ता रहेगा कॉनेस्टोगा कॉलेज में। आप मुझसे मिल सकते हो, आई विल हेल्प यू, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक करने से मत घबराना। और हम 5000 सब्सक्राइबर से सिर्फ 300 सब्सक्राइबर दूर हैं और हम 5000 की फैमिली कर लेंगे अपनी प्रियांशु ब्लॉग्स यूट्यूब चैनल की। और प्रियांशु गुप्ता यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, मेरा सेकंड चैनल बना हुआ है, ठीक है। अपना ख्याल रखना गाइस। अगर अच्छी लग रही है वीडियो तो कमेंट करके बता दिया करो, शर्माया ना करो, और मैं प्रियांशु गुप्ता आपको रिप्लाई दे दूंगा, ठीक है। अच्छी लगी वीडियो तो जरूर सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को और वीडियो को लाइक कर देना। लव यू ऑल गाइस, अपना ख्याल रखना, बाय बाय, टेक केयर।